एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर लाल किला हिंसा को लेकर जांच तेज होगी। फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट की टीम ने सबूत जुटा लिए हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर फॉरेंसिक्स की टीम ने सबूत जुटाए हैं। ब्लड सैंपल, फिंगरप्रिंट जैसे सबूत जुटाए गए हैं। तो लाल किला हिंसा को लेकर जांच तेज हो चुकी है। इस मामले में फॉरेंसिक्स की टीम भी जांच कर रही है। फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। ब्लड सैंपल से लेकर फिंगरप्रिंट तक लिए गए हैं। तो लाल किला हिंसा मामले में जांच अब तेज हो गई और इस जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। जांच की जा रही है, जितने भी फॉरेंसिक एविडेंस हमें यहाँ मिलेंगे हम उनको कलेक्ट करके क्राइम ब्रांच को हैंड ओवर कर रहे हैं फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं जा रहा है यहाँ पे और इस केस को बहुत जल्दी ही रिपोर्ट करा जाएगा। नहीं नहीं, जो भी चीज़ें तोड़फोड़ वाली जो चीज़ें मिल रही हैं वो हम हैंड ओवर करते जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किला हिंसा को लेकर जांच तेज कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं, ब्लड सैंपल लिए गए हैं और फिंगर प्रिंट्स भी जुटाए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो लाल किला हिंसा मामले में जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, जांच तेज हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में हुई हिंसा में 38 FIR भी दर्ज की गई है, 84 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कई किसान नेताओं के नाम भी इसमें शामिल हैं। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं पर मामले भी दर्ज हुए हैं। दूसरी तरफ लाल किला हिंसा मामले में फॉरेंसिक्स की टीम ने भी सबूत जुटाए हैं।